नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित 15 चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए UPTGT, रीट और CTET में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। बिंबिसार का वध उसके पुत्र ने किया था। तो साथियों, उसके पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन डी हर्ष। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। बिंबिसार ने अजातशत्रु को समय से पहले ही युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन अजातशत्रु ने जल्दी राज्य पाने के चक्कर में बिंबिसार को का वध कर दिया। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक थे? एक, दो, तीन या फिर चार। बौद्ध साहित्य में साथियों तीन पिटक थे। पहला नंबर का शुद्ध पिटक, नंबर टू अभिधम्म पिटक, नंबर थ्री विनय पिटक। साथियों, शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन है, और नंबर तीन विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग व उनके जीवन का आचरण संबंधी नियमों का वर्णन है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? ऑप्शन ए भविष्यत बुद्ध, ऑप्शन बी बुद्ध के प्रवर्ती महान बौद्ध संत, ऑप्शन सी वे जो निर्वाण को प्राप्त हो गए या फिर ऑप्शन डी बुद्ध के पूर्व अवतार। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्ध के पूर्व अवतार। साथियों, महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, जिसके माध्यम से सभी को निर्वाण का सुख प्राप्त हो सके। साथियों, महायान संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा भी की जाने लगी थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी कोलीय या फिर ऑप्शन डी मल्ल। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी शाक्य। साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। आलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के शिष्य, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण बौद्ध संत, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम गुरु या फिर ऑप्शन डी शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। साथियों, आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। साथियों, बुद्ध ने इन्हीं से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अब अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। साथियों, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। ऑप्शन ए मल्ल, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी लिच्छवी
या फिर ऑप्शन डी शाक्य है। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शाक्य है। अब चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। साथियों भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? ऑप्शन ए मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय, या फिर ऑप्शन सी राजकीय संरक्षण का अभाव, या ऑप्शन डी मुस्लिम आक्रमण। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। और साथियों भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अंत का कारण ये भी था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं रहा था। तो साथियों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन सी शाक्त धर्म, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी को पता हो गई। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो किस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन के दौरान आयोजित हुई? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन के दौरान हुई जो कि बिहार में स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और साथियों यह संगीति 483 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, या फिर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। साथियों तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुई थी। और साथियों इसी सभा के दौरान तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक की स्थापना की गई और तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो किस प्रकार है। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए महाकात्यायन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सारिपुत्र, या फिर ऑप्शन डी मोदगलायन। साथियों अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया था। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए मठ प्रणाली, ऑप्शन बी सत्य का सिद्धांत, ऑप्शन सी मध्यम मार्ग, या फिर ऑप्शन डी त्याग। इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी मध्यम मार्ग। और साथियों मध्यम मार्ग का अर्थ है कि मनुष्य को न तो विलासिता में ही रत रहना चाहिए और ना ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए, बल्कि उसे शुद्धता पूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी जिन,
ऑप्शन सी निगंट नाथपुत, ऑप्शन डी अरहंत। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी निगंट नाथपुत। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए प्रसेनजित, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयभद्र या फिर ऑप्शन डी उदयन। साथियों बुद्ध के जो समकालीन हुए हैं वे हुए प्रसेनजित, बिंबिसार और उदयन। तो इनके अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदयभद्र। इसी क्वेश्चन के साथ साथियों हमारी क्लास होती है समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद साथियों।